अक्षराक्ष ने बताया कि मैं 3 महीने की पवन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरा ओवेशन करवाया है, तुम्हारी शादी जिस साल मतलब हुई कि पवन सिंह नहीं पसंद करते थे तो ज्योति पवन सिंह को पसंद करती थी या उनके पैसे पे मरती थी। जब पवन सिंह उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते थे तो उनका ओवेशन कहाँ से हो गया, कहाँ से लेके आई थी वो, या तो फिर उनका भी कहीं से अफेयर चल रहा होगा। उस टाइम पे बहन थी, आज सौतन हो गई। अरे जब वो सौतन थी तो वो सौतन के साथ एक सौतन 4 साल कैसे कट गए और दूसरी औरत तो 4 मिनट न रुकती। अगर मेरे पति के साथ अगर कोई और भी औरत है तो मैं तो नहीं काट पाऊंगी कि 4 साल तक मुझसे कोई संबंध न रखे। अरे जो अपना घर बसा नहीं सकती है तो दूसरे का घर क्यों उजाड़ रही हो। और पवन भैया सही कह रहे हैं, वो तो बोल रहे थे ना, तभी मुझे गुस्सा आता था कि पवन भैया गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बहुत सही कर रहे थे, उनको तलाक दे देना चाहिए, जल्द से जल्द उनको तलाक दे के अपने रास्ते से हटाना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं रत्ना गोस्वामी जी। रत्ना गोस्वामी जी एक सिंगर हैं, इनके बहुत से गाने आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते होंगे तो देखने और सुनने को मिलता होगा। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि भोजपुरी में किसी भी प्रकार का कोई भी बात विवाद या कंट्रोवर्सी होता है तो रत्ना जी बड़े बेबाकी के साथ अपने बातों को रखती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से जो है रत्ना जी से हम बात करेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन जी के मामले में आपने देखा होगा रत्ना जी के बड़े बयान आए थे। लेकिन हाल ही में कुछ खुलासे हुए हैं ज्योति सिंह के माध्यम से अक्षरा सिंह को लेकर। तो हम रत्ना जी से ये जानना चाहेंगे कि अभी तक तो ये बड़े चाव के साथ ज्योति सिंह के साथ खड़ी थी, अब ये देखना है कि रत्ना जी कहती क्या है अंतरा सिंह और अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह के जो बीच के अभी हाल ही के जो विवाद हैं, क्या कहेंगी इस पे मैम? मैं ये पे इस पे सर यही कहना चाहती हूँ कि जैसे ज्योति सिंह जो हैं ये मतलब ये बताती हैं कि हमारी शादी हुई थी, मतलब इनके परिवार के माध्यम से हुई थी, पवन सिंह का कोई मतलब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी हमसे शादी करने के लिए। तो जब उनसे कोई मतलब दिलचस्पी नहीं थी उनसे शादी करने के लिए तो वो कैसे राजी हो गई। और बताती हैं कि मैं अपने पापा की मर्जी से शादी की हूँ। तो अगर पापा के आज के ज़माने में माँ बाप की राजी मंदर से शादी होती तो पहले लड़की लड़का दिखाए जाते हैं, एक दूसरे अपने भावनाओं को समझो कि हम आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो इस पर तो यही बात आती है कि पवन सिंह नहीं पसंद करते थे तो ज्योति पवन सिंह को पसंद करती थी या उनके पैसे पे मरती थी कि शादी हो जाने दो फिर मैं तो सुधार ही लूंगी। और जब इंसान अगर किसी को पहले से नहीं चाहता है तो बाद में किसी दबाव से नहीं चाहने लगेगा, क्योंकि प्रेम दिल से होता है, कोई दबाव में नहीं होता है। ज्योति सिंह को ये पहले ही समझना चाहिए था। हाँ, ज्योति सिंह को तो पहले समझना चाहिए था। मैंने देखा आपने ज्योति सिंह के बड़े जो है सपोर्ट किए हैं, ज्योति सिंह को पैसे मिलने चाहिए, पवन सिंह गलत कर रहे हैं, अब ज्योति सिंह जो है इस तरीके से बात करती हैं अक्षरा सिंह को लेकर, तो इसमें क्या? इसमें ये कहना है कि पहले तो वो अपना जो चेहरा जो होता है, जो कुछ तो होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ज्योति सिंह पहले इतने मासूम से आती थी मीडिया के सामने कि बहुत सही है, बहुत सीधी है, लेकिन ये तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही है, दिखा रही है। एक औरत होके एक औरत का सम्मान कर रही है। पहले तो अक्षरा सिंह मेरी बड़ी बहन है, उससे मिलने जाती थी, बड़े लगाव से मिलने जाती थी। बताती हैं कि जो तो अक्षराक्ष ने बताया कि मैं 3 महीने की पवन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरा ओवेशन करवाया है, तुम्हारी शादी जिस साल मतलब हुई। तो ये बताइए, जब ज्योति सिंह क्या बोलते हैं, शादी बोलती है, शादी होने के 1-2 दिन के बाद पवन सिंह चले गए थे और वो 1-1.5 महीना 3 महीना अक्षरा सिंह के साथ। ये मुझे जवाब दें कि अगर जब ये बात थी तो ये बात उनको पहले क्यों नहीं लाना चाहिए था। किसका मतलब पहले पैसा ऐंठती थी तो वो इस मामले को मतलब दावे रखी कि मतलब सोशल मीडिया के सामने या किसी के सामने मतलब वो निकाला नहीं अपनी दिल की बात। आखिर आप क्यों कह रही हैं, आप क्यों कह रही, मतलब उनका क्या मतलब है इसका बोलने का? इसका मतलब वो पैसे ऐंट रही थी। जब तक उनको पैसा मिलता था थोड़ा थोड़ा करके उनका खर्च उठाते थे पवन सिंह, तब तक वो दबाए रखी। अब वो सोची कि 8-10 करोड़ जो मांगू मैं इनसे कि एक बार में मैं ऐंठ लूं पवन सिंह। जब पवन सिंह पैसा देने से भी इनकार कर दिया तो वो अक्षरा सिंह के बात को लेके मतलब कीचड़ उछाड़ने लगी। एक औरत हो के एक औरत को कैसे सम्मानित नहीं दे सकती है, मतलब उनको बेइज्जत कर सकती है, वो भी तो एक औरत है। अरे जो अपना घर बसा नहीं सकती है तो दूसरे का घर क्यों उजाड़ रही हो। जी गलत है, जो है गलती है ज्योति सिंह का। अपना घर तो नहीं समेट पा रही है कि अपना मान सम्मान समाज में अपना
अपने मियाँ बीबी का सुलझा नहीं पा रही हैं, उसमें दूसरे को घसीट रही हैं। अरे इतना पढ़ी लिखी हैं, कुछ तो तमीज है उनके पास। वो अगर इबॉर्शन करवाए, आज के ज़माने के अनुसार से देख लो, फोन है, माँ है, बाप है, भाई हैं। अगर पवन सिंह उनके साथ ऐसा कर रहे, मैं मान रही कि चलो कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो वो पढ़ी लिखी हैं, उनके दिमाग में सोचना कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए या ना चाहिए, इसका क्या मतलब है। इसमें ज्योतिष सिंह का भी राय था कि माँ से बताती, भाई से बताती, सास से बताती, ससुर से बताती कि चलो ये चीज ये कर रहे हैं, तो कोई तो उनको समझाता। तो इसका कोई प्रूफ है जहाँ पे मतलब इनका ऑपरेशन हुआ है, उस डॉक्टर को तो पता होगा, वहाँ का मतलब कागज तो होगा। हॉस्पिटल में जाओ, अगर प्राइवेट में जाओ तो हर प्रूफ रहता है, वहाँ पे लगता है। ये सब तो होता है, ये सब क्यों नहीं दिखाई है? आजकल सब प्रूफ से होता है, ऐसे मुंह बजाने से नहीं होता है। मुझे तो लगता है ये ज्योतिष सिंह जो है ये पैसे के लिए ये सब कर रही थी। अब पवन सिंह को नजर में सबके गिराना चाहती है वो, तो अब तो अब खुद ही गिर गई है। मतलब पहले आप तारीफ करती थी ज्योति जी का, आप जो है कह रही हैं कि वो लालची हो गई। आपका कहने मतलब है? मेरा कहने की यही मतलब नहीं है, ज्योति सिंह को हम कह रहे हैं नहीं मतलब लालची हो गई है। पहले तो उनका जो चेहरा होता है गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, पहले इतनी मासूम से आती थी, तो अगर वो अच्छी होती ना इन सब बातों को उसी मैटर पे ये बातें सब सोशल मीडिया के सामने लाती है, बाद में नहीं लाती है। बाद में लाने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उनके अंदर खोट है, वो कुछ चाहती है, कुछ करना चाहती, कोई प्लानिंग कर रही है पवन सिंह को गिराने के लिए। और पवन सिंह तो जो कहते हैं तो खुलेआम कहते हैं, पवन सिंह ने बोला मुझे नहीं रखना है तो नहीं रखना है, वो तो ये भी बोला है पवन सिंह, तो फिर वो क्यों नहीं बोली, वो क्यों बातों को दबाए रखी? उसको भी उनको भी सामने लाना चाहिए था ना सबके कि ये बात है, आप क्यों कह रही हैं? लेकिन आप ही कह रही थी कि एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, आपने ही कहा था कि पवन सिंह जो है लड़कियों को यूज करते हैं, तो फिर क्यों? पवन सिंह देखो, अगर जैसे उनकी वो शादी मतलब ज्योतिष सिंह से किया, मतलब उनकी 2-3 शादियाँ हो गई, चलो एक जो नसीब में था वो तो मतलब नहीं है इस दुनिया में, और अक्षरा सिंह की बात थी तो उन दोनों के बीच की बात थी। देखो इंसान हर चीज़ खरीद सकता है, हर मतलब पैसे से सब कुछ, लेकिन एक प्रेम, एक स्वभाव, एक अपना नाम पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, ये नसीब से होता है। और जब उन्होंने अक्षरा सिंह से उनको प्यार था, कुछ भी था, मतलब उनके माँ बाप को बीच में मतलब सुनने को मिला था कि अक्षरा सिंह उनके माँ को नहीं पसंद है, वो उनके मतलब कहीं और पसंद से ज्योति सिंह से शादी कराया, तो चलो अपनी माँ की बात रखते हुए भी वो ज्योति सिंह को मतलब अक्षरा सिंह को छोड़ के पवन सिंह ज्योति सिंह से शादी किया। तो अक्षरा सिंह को जब ये बात आने के दूसरे दिन ही पता चल रही, तो अभी 4 साल तक तो क्या कर रही थी? अगर जो पवन सिंह से कोई रिश्ता ही नहीं था तो उनका ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन कैसे हुआ उनका, कैसे हो जब कोई मतलब आपका कहने मतलब गुमराह कर रही है पवन सिंह को ज्योति सिंह? जी हाँ, गुमराह ही कर रही है। अब ये बताइए, जो बात जो बोलेगा, जैसे हम अगर कोई बात अगर बोलते हैं तभी तो एक दूसरे को पता चलेगा, जब हम कोई चीज बोलेंगे नहीं तो इंसान को क्या पता चलेगा कि हमारे मन में क्या है? तो ज्योति अभी तो ये सब बात मामला मतलब सामने लेके नहीं आई थी, अब क्यों लेके आ रही है भाई? तो इसका मतलब है कि पैसा ऐड रहे थे पवन सिंह को, अगर वो सोचे कि मैं गिरा दूं सबके नजर में, तो अपने वो चलबीसे से गिरा नहीं सकती है। पवन सिंह एक शेर हैं, शेर की तरह रहेंगे हमेशा, दहाड़ मारेंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे फर्क तो तुम अपने ऊपर देखो कि घर तो अपना बसा नहीं पा रही हो, अगर ऐसी चलो घर नहीं बसा, एक इसी बात पे ये एक मतलब छोटी सी मिसाल है, देख लो खेसारी लाल की, तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन बात फिर भी मैं बोल रही हूँ खेसारी की मिसाल पे। खेसारी सिंह जो फिल्मी दुनिया में आए थे, एक सिंगर बने थे, तब वो शादीशुदा थे, चंदा देवी उनके साथ, चंदा भाभी जो है बहुत मुसीबत की थी, क्या लिट्टी चोखा भी बेची थी, हर चीज़ काम करने के बाद खेसारी जी फिल्मी दुनिया में एक सुपरस्टार बने हुए हैं। तो वो फिल्म जब बनाते हैं तो क्या उनके साथ लड़कियाँ नहीं रहती, हीरोइन नहीं रहती हैं किसी में? देखो इतना नॉर्मली से फिल्म बनाया कि देखने में एक दूसरे को आँख में आँसू आ जाता है, तो उनकी बीबी क्यों नहीं उनको छोड़ दी? क्योंकि उनकी बीबी इसलिए, उनको अपने पति पे भरोसा था, विश्वास था, उनको अपने पति से प्यार था कि जो ज्योति के अंदर नहीं है जी, अगर उनको एक दूसरे से सीखना चाहिए था ना। कमी अब ज्योति के पास है, कमी है इसी बात पे, ज्योति की बात है। अगर चलो इतना यहाँ तक बात हुई थी तो उनको इतना सब लोग ने उनको सपोर्ट दिया, मैं भी ज्योति सिंह को सपोर्ट दी थी, लेकिन ज्योति सिंह को उस टाइम पे ये सब बातें मतलब दबा के उनको एक टाइम पे ज्योति को सपोर्ट किया, लेकिन अब क्यों नहीं करती है? अब क्योंकि वो अपना रंग दिखा दी, अपना हर चीज दिखा दी कि मैं खुद ही, वो अपने आप प्रूव कर रही है कि मैं हूँ गलत।
अगर जो अच्छी होती तो दोबारा सोशल मीडिया के सामने आने की, पहले तो चीख चीख के कह रही थी कि मैं तलाक नहीं दूंगी, जब तलाक नहीं दूंगी तो उनको अपना घर समेटना चाहिए, टूटना नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए उसको, समय किसी ना किसी तरह हम इसको संभालें, एक बार जो हो गया उसको हम सुधारें, उस पर उसको कीचड़ की तरह उछाला नहीं जाता है। इंसान अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बोले चलो एक गलती हो गई। कैसी कौन सी औरत है जो अपने पति को, अपने एक कहना तो नहीं चाहिए, हर औरत की मैं बात कह रही हूँ, अपने पति को अपने बस में कर सकती है। पत्नी के अंदर ऐसा गुण होता है, वो तो गुण क्या हो, तो लक्ष्मी घर की थी, उसको लक्ष्मी बोलते थे, लक्ष्मी ने तो कुलक्षणी के लायक दिखती है। और पवन भैया सही कह रहे हैं, वो तो बोल रहे थे ना, तभी मुझे गुस्सा आता था कि पवन भैया गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत सही कर रहे थे, उनको तलाक दे देना चाहिए, जल्द से जल्द उनको तलाक दे के अपने रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि वो औरत ऐसी है गुनगुन सांप की तरह है, अगर वो डस लेगी तो सांप नहीं देगी, कि अगर वो उसका डसा हुआ तो जैसे नागिन का डसा हुआ पानी नहीं मांगता, उसका भी डसा हुआ पानी नहीं मांगेगा। क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रही है रत्ना, आखिर काहे का है भाई, एक ये औरत के नाम पे वो क्लंकिंग बन रही है या नहीं बन रही है, ये मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आपके पास है इसका जवाब। अगर घर जो बसाने वाली औरत होती है ना, आज के जमाने में देख लो, आज के जमाने कल के जमाने कैसे भी देख लो, बहुत से पति हैं, पवन सिंह की बात हटा दो कि पवन सिंह चलो सुपर स्टार है, ज्योति सिंह पढ़े लिखे एक बड़े आदमी है, एक छोटे ही आदमी को कैसे भी देख लो, आज के जमाने में सब कमा खा रहे, कोई भीख नहीं मांग रहा, जो भीख भी मांग रहा है तो वो भी रोटी खा के ही सो रहा है, भूखा नहीं सो रहा है, दारू पी रहे हैं, अपने पत्नी को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, छोटे उनका बाल उखाड़ रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना दुख मुसीबत सहने के बाद भी वो अपने घर को टूटने से बचा रही हैं, अपने बच्चों को कि अपने पति को अपना घर मान सम्मान कोई उंगली ना दिखा सके, तो एक ज्योति सिंह कैसे हो गई है ऐसे? पावर स्टार हैं पवन सिंह, पैसे हैं उनके पास। अरे पैसे से इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत बनानी, एक इंसान कहता है इज्जत बनाने में जिंदगी बीत जाती है लेकिन इज्जत गंवाने में एक सेकंड नहीं लगता है। अगर वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार होती ना, अगर उनके अंदर जरा सी भी अपने घर के लिए प्यार होता, अपने पति के लिए होता, तो उसको वो समेटती, ये नहीं कि उसको थोड़ी थोड़ी बात लेके उछालती कि चलो, ये भी माफी मांग सकती थी। अपने पति का कौन सी औरत है अपने पति का पैर नहीं पकड़ती है, पवन सिंह से कह देती कि तुम मेरे पति हो, मेरे साथ शादी हुआ, साथ फेरे लिए, मुझसे जो गलती होगी आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, तो कैसे पवन सिंह इतने तो पत्थर दिल नहीं है कि वो अपने पत्नी को ऐसे लात मार देते, कि वो भी तो एक बार मन पिघल जाए कि चलो मेरी पत्नी अपनी गलती को मान रही है। इसमें अक्षरा सिंह की गलती है, वो खुद नहीं रहना चाहती है, वो सिर्फ पैसा चाहती है। अक्षरा सिंह की क्या गलती है भाई? अरे वो अक्षरा सिंह नहीं, वो ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह को मन, अक्षरा सिंह की कोई गलती नहीं है, अक्षरा सिंह को बस एक विश्वास था, जो मतलब दोनों की गलती बराबर की थी, उतनी गलती पवन सिंह की थी उतनी अक्षरा की भी थी। अबॉर्शन वाला मैटर जो है सोशल मीडिया पर बार बार उछाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे ये मैं कहना चाहती हूँ, ज्योति सिंह के पास कोई प्रूफ है, प्रूफ लाके उसको दिखाए, जैसे बातों को उछाल रही है वैसे, मतलब पब्लिक के बीच में उछालना चाहिए ये सब घरेलू मैटर, घरेलू मैटर को इसको उछालना चाहिए, अपने घर में समझाना चाहिए था कि जैसे मतलब अक्षरा सिंह के ही ऊपर उछाली है, अक्षरा सिंह को ही बताई है, बता रही है, अपने आप को तो जो बताएं चलो वो तो पत्नी है उनका तो चल जाएगा, लेकिन एक औरत हो के एक औरत को कैसे सम्मानित कर रही है आप पब्लिक के बीच में? अरे मतलब वही अपमानित उनको कर रही है, तो उनको एक बार एक औरत है तो उनको प्यार से समझाना चाहिए था कि ये कहाँ से कहाँ तक बात थी, कैसी बात थी, उसको सोशल में पहले तो उनको बोल देती है मैं अक्षरा सिंह से मैं मिलने गई थी, अब दोनों एक हो गई हैं, अपना भी डाल रही थी, वीडियो डाल रही थी, बना बना के डाल रही थी, आप भी देखे होंगे, तो ये बताइए उस टाइम पर वो क्यों बात उनको अपनी बहन बना रही थी, उस टाइम पे बहन थी आज सौतन हो गई। अरे जब वो सौतन थी तो वो सौतन के साथ एक सौतन 4 साल कैसे कट गए और दूसरी औरत 4 मिनट ना रुकती, कैसे कट गई उनके, ये मैं ये पूछ, आप ही बताइए कैसे कट लिया चा? मैं तो नहीं काट सकती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, अगर मेरे पति के साथ अगर कोई और भी औरत है तो मैं तो नहीं काट पाऊंगी,
कि 4 साल तक मुझसे कोई संबंध न रखे, मुझसे कोई मतलब ही न रखे, तो इंसान अपना माँ बाप भाई बहन छोड़ता है तो सिर्फ पति के ऊपर ही सारी दुनिया उनकी टिकती है। जब उनका पति इस तरह, तो वो किसके भल पे टिकी थी, ससुराल में क्या कर रही थी, किस नाम से मंगलसूत्र सिंदूर पहनती हैं, उसको हटा देना चाहिए था उनको कि जब मेरा पति नहीं तो मैं किसके नाम से पहनूं, क्या अपना नाम बढ़ाने के लिए मैं पावर स्टार की पत्नी हूँ। मतलब लालची हैं ज्योति सिंह जी। हाँ, लालची हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जब उनका कुछ है ही नहीं। अच्छा चलिए, ये यहाँ पे बात आ गई, जब पवन सिंह उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते थे तो उनका ऑपरेशन कहाँ से हो गया, कहाँ से लेके आई थी वो, या तो फिर उनका भी कहीं से अफेयर चल रहा होगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब वो अपने आप ही चीख चीख सोशल मीडिया पर कहती हैं कि पवन सिंह मतलब आते नहीं है, मुझे मानते नहीं है, मुझे बीवी नहीं मानते, ये नहीं करते, वो फलाना ठिकाना करते हैं, तो वो ऑप्शन कहाँ से हो गया भैया उनका, बगैर पति का तो हो नहीं सकता है, तो कहाँ से कहीं दूसरे से फंसी है क्या वो, इसका जवाब दीजिए मुझे। अब मैं ज्योति सिंह से भी अगर सामने पवन भैया रहेंगे ज्योति सिंह, तब भी वो बोलो कि जब पवन सिंह से तुमसे कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है तो ये वर्षन वाली बात कहाँ से आ गई, तो कैसी औरत हो दुनिया की, तुम ही पहली औरत हो जो अपने पति को छोड़ रही हो ऐसे, मैं तो नहीं छोड़ूंगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।